संजय नगर MCH कॉलोनी जे ब्लॉक में साई नरसिंह राव नामी शख्स पर हमला कर दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। नरसिंह राव बहुत सीरियस कंडीशन में बताए गए हैं और उस्मानी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। रुपेश रोडी शीटर का नाम लेकर नरसिंह राव को डराया और धमकाया जा रहा और उनकी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी जा रही। मेरा नाम साई किरण है। मेरा डीजे लाइटिंग का बिजनेस है। मैं MCH कॉलोनी जे ब्लॉक के निवासी हूँ। जे ब्लॉक के नीचे ऑफिस में मेरा दुकान और सामान लगाता हूँ। मेरा लाइटिंग का बिजनेस है और रात में 6 बजे जो रुपेश रोडी शीटर के भतीजे जो कोई घास पट्टे है 6 जने मेरे दुकान पर आए, पैसे वसूल कर रहे थे मेरे से, पैसे दो पीने के लिए बीरों के लिए। बोलते मैं मना कर रहा हूँ, भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे तुम बोल के बोलूँ। गाड़ी भी पूछे, गाड़ी भी मैं नहीं दे तुम बोल के बोलूँ। तो रुपेश के नाम लेके मेरे को धमकाए, पैसे दे दे नहीं तो अच्छा नहीं रहता बोल के मेरे को मारम पीटी करना चालू करे 6 जने। पूरी जे ब्लॉक की पूरी निवासी के ब्लॉक की पूरे निवासी यहाँ देखे वीडियो। तो मैं बोलो मेरे पास पैसे नहीं, बोलता मेरे को मारना चालू करे, पूरे मेरे नाक से पूरा खून आ गया। ये है रिपोर्ट। ये है जो रिपोर्ट है, मेरा नाक से खून आया और ये जो है मेरा नाक पूरा फ्रैक्चर हो गया। सो है मेरा 1 वीक के बाद मेरे को सर्जरी करते हूँ बोल के बोले। और मेरा भाई बचाने आया था, मेरे भाई को भी सर फोड़ दिए, उसको 12 टांके गिरे। उन्होंने उस्मानिया में आईसीयू है, बैठे से जगह पेशाब कर ले रहा हूँ, अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो ये राउडी शीटर होंगी और उनके बच्चे ऐसे करे तो जीना कैसा। बहुत लोग जे ब्लॉक से उनके जो नाम से है ना उन्होंने ऐसी टॉर्चर करके बहुत जने वहाँ से घर खाली करके चले गए। 4-5 जने कुछ जो उनकी फैमिली अभिषेक उनकी फैमिली चंदू ऐसा 4 से 5 जने इनके डर से चले गए। इन्हें हमेशा करते ऐसे करते रहे तो हमें जीना काम पर बोलो, कौन घर आए हमारे जीना काम पर है, हमारे को बोलो काम पर जाके जीना है हमारे को बोलो भाई। यहाँ पे जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेरे को जस्टिस चाहिए और मेरे फैमिली को, मेरे दुकान के बच्चों को कुछ भी होया उसकी जिम्मेदारी रुपेश और उसके भतीजे से। कुछ भी मेरे को छोटा धक्का भी लगा तो उसकी जिम्मेदारी रुपेश और उसके बच्चे से। वो बच्चों का नाम क्या है जो आपको अटैक करे? योगेश है, दीनदयाल है, फर्स्ट दीनदयाल है, उसके बाद योगेश है, बबलू है, साईनाथ है, जो ऑलरेडी ना बहुत केसों में है, मगर आज तक उनके डर से कोई आगे PS में कंप्लेंट नहीं करा। जो फर्स्ट इंसान हूँ मैं चाह के जो कंप्लेंट करा, मैं मरने दो मेरी फैमिली मरने दो, मगर बाकी के पूरे लोग अच्छे रहे तो बहुत अच्छी है। जो इनके वहाँ हो रही हलचल हो रही रोडीजम हो रही है पूरा बंद कराना आपकी जिम्मेदारी है भैया। PS में कंप्लेंट दिया? मैं PS में कंप्लेंट दी हूँ भैया। SSR उन्होंने और CSR उन्होंने मेरे को सपोर्ट करते बोल के बोले, 3 नर्स से उनके केस डालते बोल के बोले, जरा डाले तो बहुत अच्छा है उनके, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होता। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनका नाम क्या है? उनका नाम मेरा नरसिंह राव है भैया। मैरिड है? अनमैरिड है भैया। उनको कितने टांके लगे? 12 टांके गिरे भैया उनको। अभी उनका कंडीशन कैसा है हॉस्पिटल? कंडीशन सीरियस है भैया, ICU में जाके आप चेक करना है तो आके चेक कर लो, 115 में एडमिट हो। इसे अभी आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड कुछ भी नहीं है भैया, जो कड़ी सी सजा मिलना, जो आज मेरे साथ करे उन्होंने दूसरों के साथ में नहीं करना। जो MCH कॉलोनी संजय नगर में इनके नाम से जीना हराम है वहाँ पर हर कोई। किसका नाम लेके डरा रहे हैं आप? रुपेश का नाम लेके डरा रहे मेरे पास। जो उनके डर से उन्होंने करते नहीं करते उनकी मतलब है, वो उन्होंने कर रहे कि नहीं कर रहे कि भगवान मालूम, मर उन्होंने उनका नाम लेके इन्हों यूज करके उन्होंने धमकी दे रहे अपने को। ये है भैया प्रॉब्लम वहाँ पर। वो ना बोलता पर्सनली जाके एक एक इंसान को इंक्वायरी करे क्या क्या है इनका क्या क्या नहीं है बोल के, इनका एक बार इंक्वायरी करो अब, मेरे को जस्टिस चाहिए भैया बस। और मैं मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना, जो ये काम है जो नेक्स्ट टाइम कोई भी नहीं करना। जियागुड़े में सब जने हैप्पी उनके घर में उन अच्छा रहना है, कोई लड़िया पंचायता नहीं होना। अगर इनको सही से सजा कड़ा दिए तो ये नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा, आपकी बार भी छोड़ दिए बोले तो खत्म, नेक्स्ट टाइम फिर 1 वीक के बाद होता। उन अभी भी बोल रहा है तो कंप्लेंट दे दे, 2 दिन के बाद बाहर आके फिर तेरे को मैं मार देता हूँ, तेरे भाई को मार देता हूँ मैं, तो क्या करता कर ले बोल के अभी भी बोल रहा हूँ ओपन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मेरे फैमिली को मेरे दुकान में जो बच्चों को काम वालों को कुछ भी हो जिम्मेदारी रुपेश और उसके भतीजे से।